खाजूवाला से बड़ी खबर के साथ, जहां खाजूवाला दरिंदगी और हत्या पर एक्शन लिया गया है। पुलिस एक्शन में आ गई है और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बर्खास्त पुलिसकर्मी मनोज कुमार और गाड़ी चालक राकेश गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आरोपी दिनेश की तलाश अब तेज हो गई है। आपको बता दें, आरोपी दिनेश पर तेजस्विनी गौतम एसपी ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। कल शाम को ही परिजनों और प्रशासनों के बीच सहमति बनी है। सहमति के बाद शव का अंतिम संस्कार हो गया था। तत्कालीन थानाधिकारी अरविंद सिंह शेखावत भी निलंबित हो गए हैं। आपको बता दें, खाजूवाला में युवती के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में पुलिस ने अपनी पड़ताल तेज कर दी है, जांच तेज कर दी है और मुख्य आरोपी के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित करके उसकी गिरफ्तारी की जो प्रयास है वो तेज कर दिए गए हैं। इसी के चलते तत्कालीन थानाधिकारी अरविंद सिंह शेखावत को भी निलंबित कर दिया गया है। कल शाम को प्रशासन और परिवारजनों के बीच सहमति के बाद युवती का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आपको बता दें, रेप के बाद हत्या का मामला दर्ज हुआ था और पुलिस ने गाड़ी चालक राकेश और बर्खास्त पुलिसकर्मी मनोज कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है। दो आरोप को गिरफ्तार कर लिया गया है। खाजूवाला में दरिंदगी और हत्या के ऊपर पुलिस ने एक्शन ले लिया है, जिसके चलते परिवारजनों और पुलिस में सहमति बनी और युवती का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस ने दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बर्खास्त पुलिसकर्मी मनोज कुमार और गाड़ी चालक राकेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आरोपी दिनेश की तलाश तेज हो गई है। आपको बता दें, एसपी तेजस्विनी गौतम ने कल दिनेश के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया था। कल शाम को ही परिजनों और प्रशासन के बीच इस पर सहमति बनी और परिजनों ने सहमति के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं तत्कालीन थानाधिकारी अरविंद सिंह शेखावत को भी निलंबित कर दिया गया। और इस पर अपडेट देने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ में। विनोद, अंततः युवती का अंतिम संस्कार हो गया और पुलिस ने भी हरकत में आकर गिरफ्तारियां की है, क्या है ताजा जानकारी? जी मैम, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से छात्रा को ले जाकर गैंग रेप कर हत्या कर दी और 3 दिन तक परिजन शव को लेकर मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन करते रहे, बैठे रहे, न्याय की मांग करते रहे। शासन प्रशासन ने काफी मशक्कत की लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद आखिर कल संभागीय आयुक्त नीरज के पवन पहुंचे और उन्होंने 3 सदस्यों की भाजपा की बनी हुई कमेटी परिजन और ग्रामीणों के साथ बैठकर वार्ता की और उस वार्ता में उन्होंने जो भी मांगे थी वो मांगे, परिजनों से कहा कि आपकी सारी मांगे मान ली जाएगी। उसमें पहली मांग ये थी कि जो इससे पूर्व जो थानाधिकारी था अरविंद सिंह शेखावत, उसको सस्पेंड किया जाए। वही नीरज के पवन ने तुरंत ऑर्डर जारी किए और वहां अरविंद सिंह शेखावत को सस्पेंड ऑर्डर निकाले गए और भी जो इस कड़ी में लिप्त थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। पूरा थाना चेंज करने की बात कही, पूरा थाना भी चेंज कर दिया गया और जो मुआवजे की राशि वगैरह थी वो सब बातें मानकर नीरज के पवन ने आखिर विनोद, जहां तक मुआवजे की बात आई थी, इनकी सिर्फ एक ही डिमांड थी, एक ही मांग थी कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। उसको किस तरह से किया गया, किस तरह से गिरफ्तारी हुई, क्योंकि 3 दिन से फरार चल रहे थे, उसके बारे में क्या जानकारी है? ये आपको बता दूं कि जैसे ही संभागीय आयुक्त आए तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। साथ में आईजी ओम प्रकाश पासवान भी पहुंचे और एसपी तेजस्विनी गौतम, दोनों को नीरज के पवन ने बोला कि तुरंत एक्शन लिया जाए और जो भी हमारी बेटी है इसको तुरंत न्याय देने के लिए चाहे जो भी करना पड़े आपको करना पड़ेगा। तो इसी के साथ तुरंत प्रभाव से दोनों कांस्टेबल को उन्होंने बोला कि जो भागीरथ कांस्टेबल है उसको भी नामजद है, उसको भी तुरंत आप गिरफ्तार करो। और नीरज के पवन ने कहा कि आखिर शाम तक आपको हम लिखित में ये बात दे देंगे। परिजनों को बोला कि इन दोनों को हम गिरफ्तार कर लेंगे और जो तीसरा आरोपी दिनेश बिश्नोई है चाहे वो कहीं भी हो कल तक इसको हम गिरफ्तार करके आपको सूचना कर देंगे। जी, तो यानी कि अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है लेकिन पुलिस जो है हरकत में आ गया, प्रशासन सरकार और बीजेपी की कमेटी के आने का ये असर देखने को मिला कि गिरफ्तारियां भी हो गई और अंतिम संस्कार भी हो गया। जी मैम, वहां पर यही बात बनी और उसके बाद परिजन मान भी गए और संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने खुद कहा कि मैं बच्ची का अंतिम संस्कार करवाने खुद आपके साथ चलूंगा और जब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा मैं यहां से नहीं जाऊंगा। और आखिर नीरज के पवन भी खुद अंतिम संस्कार तक पहुंचे और उन्होंने परिवार को जितनी भी सहायता देनी थी वो सहायता दी और परिजनों को मन दिया। जी विनोद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी विनोद, जिन्होंने बताया कि कल
नीरज के पवन की मौजूदगी में उनकी समझाइश के बाद परिवारजनों से सहमति हुई और नीरज के पवन खुद अंतिम संस्कार तक मौजूद रहे। मुआवजे राशि को लेकर जो बातचीत की वो पूरी की गई और साथ ही में जो थानाधिकारी था उसको भी निलंबित कर दिया गया। दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और दिनेश बिश्नोई की जो तलाश है अभी तक जारी है। पुलिस और प्रशासन के समझाइश और आश्वासन के बाद परिवार वाले मान गए।